एडजेक्टिव होता क्या है सबसे पहले, फिर एडजेक्टिव की एंडिंग की भी बात करेंगे. सो गुड, गुड इज गुड. सो गुड एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. दिस इज गुड, द पेन इज वेरी गुड, इट्स ब्लैक. सो ब्लैक, गुड, इंटेलिजेंट, स्टूपिड, ये सब किसी ने किसी की विशेषता बता रहा है. सो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव. नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं. फॉर एग्जाम्पल गुट, बट दिस गुट बिकम्स इन जर्मन समटाइम्स गुटन, गुटर. समटाइम्स यू विल सी ई आर एंडिंग, समटाइम्स ई एन, कभी कभी गुटस, गुटम, गुटे, गुटस, गुटम, कभी कभी गुट ही रह जाता है. सो दिस एंडिंग, वाई दिस इज ई और ई एम, ई आर समटाइम्स ई एन, यू से गुटन टाग, हेलो गुटन टाग, गुटन टाग, तो गुटन बोलते हो, लेकिन गुटन आख्ट नाइट में तो गुटे बोलते हो, ये क्या चक्कर है. और मैं बोलता हूं दिस इज गुड, तो मैं बोलता हूं दास इज गुट, तो कभी गुट हो जाता है, कभी गुटन, कभी गुटे. उसके लिए इन्होंने कुछ फॉर्मूला बना रखा है. हिंदी में भी ऐसा ही है. हिंदी में हम लोग बोलते हैं काला, काली, काले, तो कभी तो काला, कभी काली, कभी काले, तो कुछ तो रूल है. ऐसे ही तो बोलते नहीं, कुछ भी निकल गया, ऐसे तो नहीं निकलता ना आपके कुछ भी. सो हिंदी में तो हम लोग देखते हैं जनरली कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है. हिंदी में जेंडर दो ही है. फेमिनिन हो तो उसको बोल देते हैं काली, दीवार काली है, शाही काली है, उसको फेमिनिन मानते हैं इसलिए काली बोल देते हैं. और काला मैस्कुलिन जिसको मानते हैं हम, तो उसको काला बोल देते हैं. काले हम लोग प्लूरल को के हिसाब से बोल देते हैं. बट यहां पे जर्मन लैंग्वेज में मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ एक बात तो ये कि न्यूट्रल भी होता है, जो कि हिंदी में नहीं होता. सो दिस इज एक्स्ट्रा एंड प्लूरल दे हैव. बट इसके अलावा जर्मन में अकुजाटिव डाटिव भी होता है, तो एक भी नहीं तीन लाइन हो गई, ठीक है. सो फर्स्ट केस इज फॉर डेफिनेट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द. ये डेफिनेट का केस है फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला इनडेफिनेट का केस है जिसका मतलब है अ. सो द को करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है मुझे, दैट इज पिस्टल. आपको पिस्टल रखनी पड़ेगी इसको यूज करने के लिए. हमेशा ये पिस्टल अपने साथ ही रखो, ये वाली पिस्टल, ये पिस्टल रखनी है. विद इन द पिस्टल, पिस्टल के अंदर हमेशा ये गोलियां रखो एक एक. विद इन द पिस्टल देर इज ई एंड आउट ऑफ द पिस्टल यू हैव टू हैव ई एन. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. इन द पिस्टल ई एंड आउट ऑफ द पिस्टल ई एन. दिस इज एक्चुअली द एंडिंग, एडजेक्टिव एंडिंग. मैं अगर बोलूं आई हैव ए गुड पेन, मेरे पास एक बढ़िया सा पेन है, काफी दिन हो गए चल रहा है, बढ़िया शानदार. सो गुड पेन बोलना है मुझे. आई हैव ए गुड पेन, आई हैव द गुड पेन. एक ही बात फिर करेंगे, पहले द का बनाते हैं. आई हैव द पेन. इफ आई से आई हैव द पेन, इस सेंटेंस में तो मैंने एडजेक्टिव कुछ यूज किया भी नहीं है. आई एम सेइंग आई हैव द पेन. आपने बोला वो पेन कहाँ है, बोलो आई हैव द पेन, मेरे पास है वो पेन. सो डेफिनेट पेन हो गया. आई हैव द पेन, पहले एडजेक्टिव रहने दो, पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाओ. आई हैव द पेन. सो आपने पेन को ढेर कूली बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक भी. फिर आपने बोला एश,
इशाबे डेर या डेन सोच लो, डेन आएगा या डेर आएगा? क्यों डेन क्यों? अब ये बताओ, अगर डेन आ गया तो यस बिल्कुल सही, हाबे इज अकुजेटिव, दैट्स व्हाई इश हाबे डेन कोली। आप बोल रहे हो हाबे अकुजेटिव है, आप इस बात को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि कूली मैस्कुलिन है। डेर बिकम्स डेन इन अकुजेटिव, सो आपने यहां से लिया कि ये मैस्कुलिन था, वर्ब अकुजेटिव है, इसलिए बीच वाली टेबल हमने फॉलो करी अकुजेटिव। इश हाबे डेन कूली। अगर मैं बोलूं आई हैव, नाउ दिस नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव द गुड पेन, आपको गुड भी लगाना है, सपोज द गुड पेन, द पेन के बीच में गुड और आ गया, तो यहां भी सेंटेंस में हमको द और इसके बीच में गुड और लगाना है, तो क्या लगेगा? इशाबा डेन गुड कुली, या फिर कुछ और? गुड तो है ही, और इसके साथ में ये वाइट वाला जो जो भी लिखा है मैंने, ये सब एडजेक्टिव की एंडिंग है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज। सो इस हाबे देन गुटन कूली, इट विल बी गुटन, हाबे देन गुटन कूली, जो भी एडजेक्टिव है अकॉर्डिंगली दिस एंडिंग विल बी एडेड। अगर फेमिनिन करोगे तो ई आ जाएगा अकुजेटिव में, न्यूट्रल करोगे तो, ये पिस्टल के बाहर है, पिस्टल के बाहर तो ये नहीं लगता है सब जगह, पिस्टल के अंदर होता तो ई लग जाता। इश हाबे डेन गुटन कूली। ओके नेक्स्ट वन, दे हैव, दे हैव द ब्लैक कार, दे हैव द ब्लैक कार, कार होगा दस आउटो, ब्लैक इज श्वार्ट्स, जी हाबन दस श्वास, कोई एंडिंग तो नहीं आएगी या आएगी? हाबन इज अकुजेटिव, हाबन वर्ब इज अकुजेटिव, दैट्स ट्रू। ये पिस्टल के अंदर से है या पिस्टल के बाहर से है, ये बताओ, अकुजेटिव अंदर से है। यस इनसाइड द पिस्टल, बिकॉज जी हाबन दस इनसाइड द पिस्टल, मतलब यहां से ले रहे हो आप, देन दिस ईश शुड बी देयर, जी हाबन दस श्वार्थ से आउटो। सो आई हेल्प द आर्म द पुअर मैन, आई हेल्प द पुअर मैन, मैन इज देयर मन, पुअर इज आर्म, आई हेल्प द पुअर मैन, ट्राई दिस सेंटेंस, आई हेल्प द पुअर मैन, हेल्प है,
यस हेल्प फॉर इज मुकेश सही लग रहा है ये बात? ओके यहां से लिया है क्या? यस डेट इज मैस्कुलिन। सो ये आपने डैम कर दिया और इसके साथ में तो पहले से डिसाइडेड है ई एन लगेगा। सो दिस इज द एंडिंग। इश हेल्प है डिम आर्मन मन यही रहने वाला है हर बार। सो आपको पिछले वाली टेबल लर्न करनी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट आइन, अगर आइन की टेबल आप लोगे तो उसमें क्या करना है हमको? ये तो थी द की टेबल। आइन वाली टेबल में हम लोग आयन की टेबल में भी ऐसे करके एक मशीन गन जूता कुछ तो बनाएंगे। एंड देन हियर ई एन ई एन ई एन ई एन। अब ध्यान से देखो तो ये सेम ही है, ई एन ओनली, लेकिन यहां ऊपर वाले में ई आर ई ई एस ई ई एस। ये एडजेक्टिव की एंडिंग है, ये आइनर मत कर देना इसको। दिस आइन इज आर्टिकल एंड दिस ई आर इज एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव। जो भी आप एडजेक्टिव काम में लोगे उसके साथ ऐड होगा, जैसे गुड के साथ हो रहा था। सपोज आई आई से आई हैव ए ब्लैक सूट, मेरे पास एक ब्लैक सूट है। डेयर अंशुक, डेयर अंशुक इज सूट। आई हैव अ ब्लैक सूट। ब्लैक को तो स्वार्थ बोलते हैं। क्या लगेगा इसमें? कहां से ले रहे हो? यहां से। या इश हाबे आइनन श्वार्सन अंशुक, या इश हाबे आइनन श्वार्सन अंशुक। ओके ये समझ में आया क्या सबको? दिस ई एन आइन आ गया तो इसका मतलब ये टेबल तो ये आएगी। इश हाबे आइनन श्वार्सन अंशुक, ये यानी है टेबल। तो अगर मैं ये बोलूं आई नीड ए रेड पेन, जहां भी ए आ जाए तो टेबल नंबर टू, अ के लिए ये है टेबल सेकंड टेबल। जहां भी द आ जाए तो टेबल नंबर वन। हर बार आपको फॉलो करनी है। आई नीड ए ब्रेड पेन, पेन इज डेयर कूली एंड रेड इज रोट। अब बनाओ इसको। नीड इज ब्राउखन, द वर्ब नीड इज ब्राउखन। रोटन ई एन लगेगा। मैस्कुलिन अकुजाटिव, यस मैस्कुलिन अकुजाटिव में आइनन के साथ में ई एन लगेगा और ये ई एन एडजेक्टिव में लगेगा। इश ब्राउक है आइनन रोटन कुली। द The small girl is coming. The small girl is coming. Table first or second? First. First. Because the लगा दिया ना मैंने।
द स्मॉल गर्ल, तो द लगाते ही मतलब फर्स्ट लेवल है। मेडिसिन को क्या बोलेंगे? दस मेडिसिन, दस मेडिसिन, दस मेडिसिन। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाओ, द स्मॉल गर्ल इज कमिंग। ट्राई करो इस सेंटेंस को, द स्मॉल गर्ल। स्मॉल का क्लाइन हुआ ना? क्लाइन होगा बिल्कुल, स्मॉल का क्लाइन होगा। दस क्लाइन है मेडिसिन कॉम्प्ट रिस्टिश, परफेक्ट। दस क्लाइन है मेडिसिन कॉम्प्ट, या ये बाकी लोगों को समझ में आया? दस क्लाइन है मेडिसिन कॉम्प्ट। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, दस क्लाइन है मेडिसिन, ये सब्जेक्ट ही है, क्योंकि वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आ ही रही है एंड सब्जेक्ट है और मैस्कुलिन नहीं, न्यूट्रल है, दस के कारण न्यूट्रल है। सो टेबल फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, और सब्जेक्ट है तो दास के साथ में ई लगना चाहिए था एडजेक्टिव में, यस, तो क्लाइन के साथ में ई लग गया, दस क्लाइन मेडिसिन कॉम्प्ट। सो ये लर्न करनी पड़ेगी आपको दोनों टेबल, इसमें बात केवल इतनी सी है, ये वाली टेबल आपको लर्न करनी है, किजुंड हाइट। ये दोनों टेबल आपको इस पर टिप्स पे रहनी है। टेबल तो तीन होती है वैसे, ये दो के साथ एक और भी है, जैसे एक तो पिस्टल की होगी, पिस्टल वाली टेबल, एक होगी आपका सिगार या जूता जो भी आपको दिख रहा है इसमें, और एक और है टेबल, इसमें हम लोग हर बार द की बात करते हैं, इसमें हर बार अ की बात करते हैं। एक थर्ड कैटेगरी है जब ना तो द और ना अ दोनों ही नहीं आए, तब वो हम लोग, जैसे कोई बोले आई लाइक व्हाइट चॉकलेट, तो द भी नहीं बोला और अ भी नहीं बोला, लेकिन व्हाइट तो यूज किया है मैंने। ही ड्रिंक्स ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी मे बी, सो अ भी नहीं बोला और द भी नहीं बोला। ऐसी सिचुएशन में मतलब ये है डेफिनेट की टेबल, ये है इनडेफिनेट की, और थर्ड होगी ओन आर्टिकल की, ओन आर्टिकल विदाउट आर्टिकल। इसमें डायरेक्ट ही आपका एडजेक्टिव एंडिंग लग जाएगा, ई आर ई, ई एस ई, ई एन ई, ई एस ई, ई एम ई आर, ई एम ई एन प्लस एन। ये है थर्ड सिचुएशन। जैसे मान लो आई ड्रिंक कॉफी, पहले इसको बनाओ, आई ड्रिंक कॉफी, कॉफी तो वैसे डेयर काफी होती है, लेकिन लिखा है क्या इसमें द या अ? इस ड्रिंक का काफे, इस ड्रिंक का काफे। अगर मैं बोल दूं आई ड्रिंक कोल्ड कॉफी, कोल्ड को क्या बोलते हैं? कॉल्ड। तो बनाओ इसको, आई ड्रिंक कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी। क्या एंडिंग लगेगी?
ये ना आएगा ना, यस बिल्कुल सही समझ गए आप। यहां से ही ले रहे हो या कहीं और से ले रहे हो? मैस्कुलिन का अकुजाटिव तो आएगा ही, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वर्ब इज अकुजाटिव, बट ये काल्ट में ईएन लगेगा, दैट इज हियर एंडिंग, क्योंकि इसमें तो आर्टिकल है ही नहीं, ये तो है ही विदाउट आर्टिकल, ओन आर्टिकल, इसलिए हम न तो आइन लगाएंगे न ही डेयर दी दास लगाएंगे, बट तीनों ही टेबल आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सो इस टेबल को आप बोल सकते हो डेफिनेट, और कभी कभी आपको जर्मन में दिखेगा बेस्टिम्ट, बेस्टिम्ट आर्टिकल, बेस्टिम्ट आर्टिकल की टेबल, ये उन बेस्टिम्ट और ये ओन है। सो दस इज आइंस स्वाई उन्द्राई। आपको तीन सेंटेंस दूंगा और दो तीन मिनट ले सकते हो आराम से, चुपचाप अपने अपने सेंटेंस बनाओगे, बोलना लास्ट में है। दे हैव माई ब्लैक टी, दे हैव द ब्लैक टी, माई तो नहीं, दे हैव द दिनेश, दिनेश रेड साड़ी, साड़ी को डेयर साड़ी बोलते हैं, टी को डेयर टे बोलते हैं, और यू नीड ए रेड टी शर्ट, टी शर्ट को दास टी शर्ट बोलते हैं। ये तीन सेंटेंस बनाओ आराम से। टी शर्ट इज टी शर्ट, रेड इज रॉट, ब्रिंगिंग इज ब्रिंगन, ब्रिंगिंग को मैंने खुद ही जर्मन वाले लिख दिया, ब्रिंगन, ब्रिंगिंग लिखना चाहिए था। ब्लैक इज स्वार्ट्स, रेड साड़ी, बेटी शॉन, thank you.
फेटिश यस सर डन दे हैव द ब्लैक टी वेरी गुड जी जी हाबन स्वार्सन टी ओके दिनेश इज ब्रिंगिंग रेड साड़ी Dinesh brought जब रोटन आ गया तो डेन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द तो इसमें बोला ही नहीं राइट सो फॉर सेकेंड सेंटेंस थर्ड टेबल इज नीडेड इसमें ना तो द है ना अ है एंड यू नीड अ रेड टी शर्ट टी शर्ट इज दस टी शर्ट तो इसमें क्या बनेगा नहीं तो आपने क्या लगाया ये आंसर नहीं लिखा है यहां पे आपने क्या लगाया वो ही सुनना है हमको तो आप बताओ आपने लिखा क्या है आप वाला सेंटेंस देखेंगे दिनेश अच्छा ऊपर वाले के लिए कह रहे हो आप ओके नहीं 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 ओके ब्रिंग क्यों नहीं कर रहे आप बाकी लोगों ने ब्रिंग किया है ओके तो भाई समझाओ उसको कि क्यों आएगा एयर के कारण ब्रिंट आएगा बिकॉज दिनेश इज सिंगुलर विथ सिंगुलर वी ऑलवेज राइट टी If it is plural, then we write en. En. Yeah. Okay, last one. You need red t-shirt. Do. Do brauchst. Ein rotes T-shirt. Rotes aega. समझ आ रहा है रोटस क्यों आएगा क्योंकि दास टी शर्ट होता है इसलिए ओके मैं आप लोगों को इसके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा इसी टॉपिक पे उसमें भी सेम चीज को डिस्कस किया है जैसे मान लो मैं बोल दूं द ब्लू एलिफेंट इज कमिंग सपोज द ब्लू एलिफेंट ब्लू को बोलते हैं ब्लाउ द ब्लू एलिफेंट इज कमिंग क्या होगा सेंटेंस डेयर एलिफेंट स्पेलिंग सेम ई एल ई एफ एन टी होगा पी एच एन टी की जगह सो द ब्लू एलिफेंट इज कमिंग The blue elephant would be the blue elephant there. There
ब्लू है, डियर ब्लू है एलिफेंट कॉम्ट, या नॉमिनेटिव, ये तो सब्जेक्ट ही है, द ब्लू एलिफेंट तो सब्जेक्ट ही है, फिर वर्ब आई खत्म सेंटेंस, और द वाली टेबल मैस्कुलिन है एलिफेंट, सो द की टेबल में यहां पे डेयर और जो भी एडजेक्टिव आया उसमें ई लग गया, ई लग गया, सो ब्लाउ में ई लग गया, डेयर ब्लाउ है एलिफेंट कॉम्ट, दस वारिस, ठीक है, ओके, नाउ मोमेंट ये फोटो खींच लो कल के लिए, ये घर से बनाओगे आप, बॉय को बोलते हैं यंग है, लास्ट सेंटेंस अभी बना लो, बॉय को बोलते हैं यंग है, जे ए एन यंग है, जे यू एन जी ई, द स्मॉल बॉय इज कमिंग, यूंगे डेर यूंगे है क्या सर? क्या हुआ इसका? डेयर स्मॉल को क्या बोलते हैं? स्मॉल को क्लाइंट, सो क्या सेंटेंस बनना चाहिए? बॉय इज यंग है, डेयर क्लाइंट है, ई लगेगा क्या? श्योर? कल के लिए है, अभी बताऊंगा नहीं, मैं डिस्कस कल करेंगे, ओके ओके गुड, सो ये 10 सेंटेंस आप करके लाओगे कल के लिए है ये, या आलिस क्लार, अभी हम लोग अपना लेसन जो भी हमारा चल रहा था उसमें मोमेंट्स, लास्ट क्लास में फर्स्ट लेसन खत्म हो गया था ना, आपने ऑडियो किया घर पे, उसमें कोई दिक्कत आई आपको? ओनली नंबर्स, नंबर्स में ही दिक्कत आई, वो ब्रैंडन वो पास डबल डिजिट्स दैट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नंबर की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बार बार, नंबर तो अब कई दिन हो गए आपको, नंबर तो लर्न करने पड़ेंगे, 63 कितना है कोई भी बताए? 63 ड्राई ऑन ड्राई ऑन जैक्सिस, ओके वो रोड लगा दिया एक्स्ट्रा, ओके अगर ये बोलना हो 25 सही तो है, अगर ये बोलना हो 87 जीवन उंड आक्षिश, अगर ये बोलना हो कि एक मिनट मैं लिखता हूं आपको बोलना है, कोई भी जवाब दे सकता है, पता चल जाएगा मेरे को किसकी आवाज आ रही है, 398
49 Okay. 39. Nine. Okay. 10,000 बताओ, 10,000 तक की तो आप छोड़ नहीं रहे, फिर आप कह रहे हो कि अभी शोर नहीं है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है सुनने में, है ना, कि 4 का 5 का कभी कभी मिक्स हो जाता है। सो प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। आप अभी तो दिमाग तो पूरा ही लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ये सारी चीजें तुमको आई जाती तो फिर आपको इवन में जरूरत ही क्या थी आने की। उसकी तो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, बार बार करेंगे। आपको वो लिसनिंग जो शेयर किया है ना, इसीलिए किया है कि आप अपने आप भी बार बार उसको सुन सको, ठीक है। अभी तो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो आप तो टूट के पढ़ रहे हो सब, इसका मतलब आता है आपको, लेकिन वो लिसनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चाहिए। दैट इज या मीन्स ओनली बाई प्रैक्टिस पॉसिबल। ओके, सपोज मैं तो टफ से टफ क्या लिखूँ, मैं तो ये लिख देता हूँ 6, 9, 3, 4, 8। बताओ इसको। यस, 9 und 6000 300 800 fierces। जिसका ये सही है, हो गया उसका काम काउंटिंग में। जो बोल रहे हैं उनका काम हो चुका है भाई, उनको जर्मनी में छोड़ा जा सकता है, बता देंगे, कर लेंगे वो हिसाब। इतनी काउंटिंग आपको आ गई तो आप नहीं ठगा के आओगे बिल्कुल। क्लार, सो वी नेमन गेट्स डन मोमेंट। हम लोग जो वोकैब जो की है हमने, उसी में आपको कुछ आज एक तो कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखवाऊंगा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है ना, कंट्रीज। आपको एक आध बार मैंने बोला भी होगा कि लैंग्वेजेस के कंट्रीज के नाम, नेबरिंग कंट्रीज के नाम आपको आने चाहिए। क्लास में भी डिस्कस किया ही है हमने, बट फिर भी मैं एक बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जर्मनी का मैप पता है ना, जर्मनी के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, तो पोलैंड को जर्मन में क्या बोलेंगे, पोलैंड। यस, जर्मनी के साउथ में कौन कौन से कंट्री है, जर्मन में बोलना है, श्वाइज, दी श्वाइज। और वेस्ट में फ्रांकराइश, यस फ्रांकराइश, देन लुक्सेमबर्ग, फ्रांसिस लॉस। एक बार मैं आपको लैंग्वेजेस के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्री और उनकी लैंग्वेजेस।
डोइचलैंड, डोइचलैंड की लैंग्वेज कौन सी है? डोइच, डोइच, ओके। एंड श्वाइट्स, डोइचलैंड, डोइच, श्वाइट्स, ये तो नाम लर्न करने हैं, जो जितनी बार लिखेगा उतने हो जाएगा उसका। स्विट्जरलैंड में चार लैंग्वेजेस चलती हैं, जर्मन, 60% स्विट्जरलैंड तो जर्मन बोलता है, जर्मन, फ्रेंच, हाँ, जर्मन, फ्रेंच, उसके अलावा वहाँ पे इटालियन चलती है थोड़ी सी, और एक उनकी लोकल लैंग्वेज है रेटो रोमानस। सो एक है डॉइच, एक है फ्रांकराइश, एक है रेटो रोमानिश, और एक है इटालियनिश, इटालियनिश। ये तीन लैंग्वेज चार चलती हैं, छोटा सा कंट्री है, चार लैंग्वेज चलती है। जर्मनी में मैन जर्मनी चलती है, देन फ्रांकराइश, ये तो ये फ्रांकराइश लिख दिया मैंने, ये होना चाहिए फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश, फ्रांकराइश तो कंट्री का नाम है, फ्रांसियोजिश कि मैंने लिखा, फिर फ्रांकराइश, फ्रांकराइश का मतलब है फ्रांस, और फ्रांस में चलती है फ्रांसियोजिश। चेशियन, चेशियन, चेशियन में चलती है चेशिश रिपब्लिक, चेशिश, चेशिश चलेगी यहाँ पे, यस, चेशिश चलेगी किसमें? चेशिश रिपब्लिक, या चेशियन भी बोल सकते हैं इसको, चेशिश है, शीश है रिपब्लिक कंट्री का नाम, ये उनकी लैंग्वेज। पोलन, पोलन ऊपर मैं कंट्री का नाम लिख रहा हूं, पोलन, और उनकी लैंग्वेज है पोलनिश, पोलनिश, पोलनिश। इटालियन, इटालियन, इटालियनिश। नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स की, नीदरलैंड है बोलेंगे, नीदरलैंडिश। या होलैंडिश, एक ही यही है, नाम दो है, होलैंड का होलैंडिश बोल देते हैं, नीदरलैंड का नीदरलैंडिश बोल देते हैं, ओके। देन और पड़ोसी कौन सा है? डेनमार्क, डेनमार्क, डेनिश, डेनिश। लुक्सेमबर्ग, लुक्सेमबर्ग में डॉइच, फ्रांसियोजिश एंड लुक्सेमबर्गिश। देन बेल्जियन, बेल्जियम, बेल्जियन इज बेल्जियम, इसमें कौन कौन सी चलती है? फ्रांसियोजिश एंड डॉइच,
Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. एक बार देखो जी भर के इनको, वापस पूछूंगा पेज हटा के देखो. फ्रंक्राइश, फ्रांसियोजिस, जिसको फ्रांसियोजिस बोलना आ गया वो सारे बोलेगा. बोलो फ्रांसियोजिस, बोल के देखो फ्रांसियोजिस. पोलन, पोलनिश, रिटो रोमानिश, ज्यादातर में आप देखो लास्ट में एस सी एच आ रहा है. यस, मैंने फ्रांसियोस लिख दिया, फ्रांसियोजिश, ये भी आएगा इससे पहले फ्रांसियोजिश. मैं कंट्री का नाम बोलूंगा, आप फटाक से लैंग्वेज का नाम बोलोगे. डेनमार्क, डेनिश, उमला उठा रहे ना, डेनिश. डॉयचलैंड, डॉयच, डेनमार्क, डॉयच, नहीं डेनमार्क डेनिश, डॉयचलैंड डॉयच. दी श्वाइट्स, डॉइच, फ्रांसियोजिश, रेटो रोमानिश, इटालियनिश, फ्रांक्राइश. राइट, चोंच खोलने की कोशिश करो. फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश, चेशिश रिपब्लिक, चेशिश, पोलन, बोलो पोलनिश, मुंह खोलो. इटालियन, इटालियनिश, नीदरलैंड, नीदरलैंडिश, नीदरलैंडिश, ए ए उमलाउट को ए बोलते हैं, नीदरलैंडिश. बेल्जियन, फ्रांसियोजिश और डॉइच. लुक्सेमबुर्ग, लुक्सेमबुर्गिश. डेनमार्क, डॉयचलैंड, डॉइच. सो जर्मनी का नाम और जर्मनी की लैंग्वेज को अगर कोई मान लो कोई ढंग से नहीं पढ़े तो आपकी जग हसाई होगी खूब जम के. क्योंकि मैं अभी कई बार मिलता हूँ कई लोगों से ना, जर्मन सीखना चाहते हैं और जर्मनी में रह रहे हैं बहुत टाइम से और बोलते हैं मेरे को डुच सीखनी है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना. मान लो कोई आदमी जर्मनी में ही रह रहा है और डुच बोले तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा. सो लैंग्वेज का नाम बोलो डॉइच, राइट. और कंट्री का नाम डॉयचलैंड, यस. फ्रांस को क्या बोलेंगे, फ्रांस को फ्रांक्राइश, और फ्रेंच को, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसियो, फ्रांसियोजिश, यस. ओके, यस. सो मैप पे ही काम करना है हमको मेनली, बट सबसे पहले लैंग्वेजेस. ये एक टेक्स्ट है इसमें कि वेल्सिश प्राकेश प्रेशन दी नाखबार फोन डॉयचलैंड, विच लैंग्वेजेज
नेबर्स ऑफ जर्मनी स्पीक, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जो जर्मनी का मैप दिखना चाहिए आपको सपने में भी, यहाँ देखो ये जर्मनी है, डॉयचलैंड, इसके ऊपर ही ऊपर कौन सा कंट्री है? डेनमार्क या डेनमार्क की ई है ये, डेनमार्क। इधर नीदरलैंड है, बेल्जियन, लुक्सेमबर्ग, फ्रांकराइश, श्वाइस, योस्टराइश, यस, ये चेशिश रिपब्लिक, या तो चेशिश रिपब्लिक बोलेंगे इसको या फिर चेशियन कंट्री को, पोलैंड। और यहां की लैंग्वेज पोलिश, डेनमार्क, डेनमार्क की लैंग्वेज डेनिश, नीदरलैंड है नीदरलैंडिश या होलैंडिश, बेल्जियन डॉइच, फ्रांसियोजिश। देखो लॉजिक है भाई इसका कि भाई ये जर्मन और फ्रेंच क्यों बोलते हैं, इधर तो फ्रांस आ गया तो फ्रांस का अच्छा प्रभाव है, तो ये फ्रांस के पास में ही है एक तरह से, तो ये हो गया इसकी लैंग्वेज यहाँ चलती है, और इधर इसके जर्मनी आ गया तो जर्मनी की लैंग्वेज चलती है। अपने भी ऐसे ही होता है, जो पड़ोसी हैं स्टेट्स उनकी लैंग्वेज आने लग जाती है, राजस्थान का बॉर्डर झुंझुनू वगैरह है तो उधर हरियाणवी भी चलती है, थोड़ी बॉर्डरिंग एरियाज में चलती है, साउथ में राजस्थान के वागड़ी भी चलती है क्योंकि गुजराती लैंग्वेज का असर है, किटले दाड़े थे गया तो वो बॉर्डर का असर होता है। श्वाइस, फ्रांकराइस, यहां कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है? फ्रांसियोजिश, नहीं फ्रांस में जर्मन नहीं चलती, वो तो बड़े इस मामले में अपनी चलाते हैं बस, फ्रांसियोजिश। ये जर्मनी में भी फ्रेंच नहीं चलती, ये अपने आप में ये शायद इनकी बहुत टाइम से राइवलरी रही है तो ये अपनी चलाते हैं, दूसरी लैंग्वेज को नहीं चलने देते, तो ये दोनों इनमें आपस में अपनी अपनी चलती हैं। और फ्रांस और जर्मनी यूरोप के मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज में से है, इकोनॉमी वाइज भी और कल्चरली, हिस्ट्री आप कैसे भी देखोगे इसको, क्षेत्रफल भी काफ़ी है, इन्वेंशन के मामले में भी। लुक्सेमबर्ग में मैंने आपको तीन लैंग्वेज बताई शायद, एक तो उनकी खुद की लुक्सेमबर्गिश, और इधर डॉइच, और इधर राइट, तो खुद की और इधर वाले की, नीचे वाले की, दोनों की। स्विट्जरलैंड में चार बताई थी, रेटो रोमानिश जर्मनी के कारण, डॉइच, फ्रांसियोजिश, और इधर नीचे इटली भी है इसलिए इटालियनिश, ओके। और योस्टराइस में बताया नहीं, ओके। सो ऑस्ट्रिया में जर्मन से भी ज्यादा जर्मन चलती है, जर्मनी से भी ज्यादा, जर्मनी से भी ज्यादा जर्मन कैसे चल सकती है, 98% लोग जर्मन बोलते हैं यहाँ पे, मतलब जर्मनी चलती है, जर्मनी से भी ज़्यादा जर्मन, तो इसलिए बोल दिया, यहाँ तो बहुत लोग बाहर से भी आ गए तो दूसरी लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं, बट यहाँ पे तो ज़्यादातर मतलब बाहर के लोग कम ही अभी एंटर कर रहे हैं, तुलना भी नहीं है खैर जर्मनी की और ऑस्ट्रिया की। जर्मनी में 84 मिलियन के आसपास लोग हैं, और 84-83 मिलियन के पास, यहाँ पे टोटली 7-8 मिलियन लोग हैं, तो रिलेटिव काफ़ी छोटा है उस तरीके से भी, और इनकी दोनों की पॉपुलेशन लगभग सेम सी है, ये और भी छोटा है बट फिर भी पॉपुलेशन वाइज वही 7-8 मिलियन के आसपास है दोनों की। यहाँ जर्मनी चलती है डॉइच, योस्ट्राइस, डॉइच, चेशिश, और इसमें साथ नीचे देखो ये थोड़ा स्लोवेनियन है तो इसकी भी लैंग्वेज का इसमें है थोड़ा सर,
पोलैंड में पोलनिश। ओके एक बार अभी देख लेते हैं, फिर टेस्ट ले लूंगा आपका। डोइचलैंड लिक्ट इम सिंथ्रूम फोन वेस्ट यूरोपा, यूरोपा के, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके बोला कि वेस्ट यूरोपा के सेंटर में है, क्योंकि ईस्ट यूरोप में तो ले दे के रशिया ही है मेनली, ईस्ट यूरोप में और भी है कंट्री बट मेनली तो रशिया ही है, वो इतना बड़ा है दूसरे की गुंजाइश नहीं है वहाँ ज़्यादा। सो वेस्ट जर्मनी में बहुत वेस्ट यूरोप में बहुत कंट्रीज हैं, उनमें फिर जर्मनी सेंटर में आता है। सो डॉयचलैंड लिक्ट इन इमस्ट्रूम फोन वेस्ट यूरोपा हैट नाइन नाखबारलैंडर एंड इट हैज नाइन नेबरिंग कंट्रीज, नाइन मीन्स नाइन नाखबारलैंडर। नो ऐसे कंट्री हैं जो जर्मनी से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हीं को इन्होंने नाखबार बोला है, जिसमें इटली को नहीं रखा, क्योंकि इटली डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता जर्मनी से, जर्मनी तो इधर ही रह गया, ये ऑस्ट्रिया और ये स्विट्जरलैंड तो इन्हीं का बॉर्डर टच है, तो इटली एक तरह से डायरेक्ट नेबर नहीं हुआ ना। सो नोइन एस हार्ट डॉयचलैंड दास लैंड जो एस हार्ट नोइन नाखबारलैंडर इट हैज नाइन नेबरिंग कंट्रीज इम ऑस्टन लिक्ट पोलैंड इन द ईस्ट देयर इज पोलैंड हियर इज प्रिस्टमान पोलनिश। इस पूरे टेक्स्ट में हम कंट्रीज के नाम और उनकी लैंग्वेज का ही नाम देखने वाले हैं, तो आप वापस चेक करना कि हमने वही लिखे हैं ना, गड़बड़ तो नहीं किया हमने। इम ऑस्टन इन द ईस्ट ऑफ जर्मनी लिक्ट पोलैंड, पोलैंड इज देयर हियर इज प्रिस्टमान पोलनिश, हियर पीपल स्पीक पोलनिश। जूडलिश फॉन पोलैंड, पोलैंड के साउथ में लिक्ट चेशियन, चेशियन है, चेशियन मतलब चेक रिपब्लिक, जिसको चेशिश रिपब्लिक भी बोलते हैं, चेशियन। डोट स्प्रिस्टमान चेशिश, हियर पीपल स्पीक चेक। जूडलिश फॉन डॉयचलैंड लीगन यूस्ट्राइश उंड दी श्वाइट्स, जर्मनी के साउथ में ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड दो कंट्रीज हैं जर्मनी के साउथ में, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये मेनली ये दो कंट्री हैं। लीगन योस्ट्राइस उंड दी श्वाइट्स, इन योस्ट्राइस स्प्रिस्टमान डॉयच उंड स्लोवेनिश, इसमें देखो डॉयच और स्लोवेनिश, इसका बॉर्डर टच होने के कारण यहाँ स्लोवेनिश भी बोलते हैं। यहाँ स्विट्जरलैंड और जर्मनी, स्विट्जरलैंड और योस्ट्राइस इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पिद्दा सा छोटा सा एक और कंट्री है ना, उसको बोलते हैं लिश्टेनश्टाइन, लिश्टेनश्टाइन वो भी जर्मन स्पीकिंग कंट्री है। अब जर्मन स्पीकिंग तो हो गई, जिसके इधर भी जर्मनी उधर भी जर्मनी, जर्मनी बोले तो जर्मन बोलने वाले, तो बीच में सी है, तो ये हो नहीं सकता कि कोई गांव सा कोई और वो अपनी अलग ही भाषा बोले है? ऐसे चलता नहीं जनरली, तो इतना छोटा है, वैसे काफी छोटा है वो, क्या पॉपुलेशन होगी कोई अंदाजा? टू मिलियन और कोई। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सेना भेज दी फ्रांस, उस कंट्री ने, कितना खतरनाक है कंट्री, तो कि भाई सेना भेज दी फ्रांस के खिलाफ, आप सोचो फ्रांस तो कितनी बड़ी पावर है, फिर सेना लूटी नहीं, लूटी नहीं तो उनको लगा कि यार हमारे, उन्होंने पूरी भेज दी सेना जो थी, पूरी सेना भेज दी लड़ने के लिए, उस सेना वापस लूटी नहीं, तो फिर बातचीत करी गई, उसकी पूरी की पूरी सेना को फ्रांस वालों ने पकड़ लिया, पूरी कोई अब लौटाए नहीं, फिर उनके आपस में समझौते हुए तो वापस लौटाया, तो एक सैनिक ज़्यादा भेज दिया उन्होंने। बोले ये कैसे? बोला काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि उनके पास टोटली 12 ही सैनिक थे, पूरे कंट्री की सेना में ही 12 सैनिक थे, तो 13 भेज दिए उन्होंने बदले में। बोले फिर मत करना ऐसी गलती है ना, और उनकी पूरी पॉपुलेशन है 37,000, मात्र 37,000 पॉपुलेशन, तो पूरी सेना नहीं भेजनी चाहिए थी इनको, राइट? क्योंकि कौन संभालेगा 37,000 को
ना, चाहिए वो इतने लोग तो. इतना छोटा कंट्री है लिश्टेनस्टाइन, ये गलत कारणों से रहता है चर्चा में, जैसे ब्लैक मनी और उस मामले में, यहाँ पे बैंक का हब है, जैसे स्विट्जरलैंड कई बार है ना, वहाँ कई लोग कहते हैं कि काला पैसा तो भारतीयों का बहुत पड़ा है और इस तरह की बातें करते हैं. तो जैसे इधर है वैसे उधर भी, वो छोटा सा इसी काम के लिए ज़्यादा जाना जाता है और उसने और ज़्यादा झंडे गाड़ नहीं रखे. खैर छोटा सा ही तो है. देन इन योस्ट्राइस स्प्रिस्ट मान डॉइच, ऑस्ट्रिया में डॉइच उन स्लोवेनिश, स्लोवेनिया वेस्ट लिश फॉन योस्ट्राइस इन द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के वेस्ट में लिक्ट दी श्वाइट्स, स्विट्जरलैंड है. हियर स्प्रिस्ट मान फियर स्प्राखन, यहां पे चार लैंग्वेज बोलते हैं, डॉइच, इटालियनिश, फ्रांसियोजिश उंट रेटो रोमानिश, रेटो रोमानिश फोर लैंग्वेजेस. फ्रांसियोजिश स्प्रिस्ट मान इन फ्रांकराइश, फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज, फ्रांसियोजिश. दास लिक्ट जूड वेस्टलिश फॉन डॉयचलैंड एंड इट इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ जर्मनी, साउथ वेस्ट हो गया ना इधर जर्मनी के, दिस इज साउथ वेस्ट. अगर कोई इस तरीके से करे तो इसको बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे ओस्टन, इसको वेस्टर्न, नॉर्दर्न, यूडन. ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन हो गई. अब चार और कर लेते हैं. सो ये ओस्टन, ये नॉर्दर्न, इस वाली को बोलेंगे नॉर्थ ओस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्न. ऊपर वाले तीनों में नॉर्ड आता है, नॉर्ड नॉर्ड नॉर्ड, और नीचे वाले तीनों में जूड जूड जूड. तो ये जूड जूड से स्टार्ट होगा, तो ये कौन सा हो गया फिर, जूड वेस्टर्न. और ये जूड ऑस्टन. सो एट डायरेक्शंस हैं और ऑल द डायरेक्शंस हैव डेर आर्टिकल. डायरेक्शंस के आर्टिकल हमेशा डेर होता है, मतलब मैस्कुलिन माना जाता है डायरेक्शंस को. जैसे नदियों को डायरेक्शन, नदियों को मैस्कुलिन मानते हैं, जैसे पहाड़ों को मैस्कुलिन मानते हैं, वैसे दिशाओं को भी मैस्कुलिन मानते हैं. सो आपको अगर ये बोलना है इन द नॉर्थ, तो आप ऐसे बोल सकते हो इम नॉर्दर्न, इम. सभी डायरेक्शन से पहले आप इम लगा सकते हो, उसका मतलब निकल जाएगा इन द, इन द नॉर्थ इम, इम नॉर्दर्न, इम जूडन, इम जूड ऑस्टन, इम वेस्टर्न, इम ऑस्टन, इम जूड वेस्टर्न. अभी इन्होंने बोला कि फ्रांस किस दिशा में पड़ता है, देखो मैंने जूस लिख दिया, जूस नहीं निकल पाएगा इसका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है. जूड, जूड वेस्टर्न, यस. हमारा बहुत बढ़िया फ्रेंड हो रखा है आज के लिए फ्रांस, हथियार वगैरह ये ना बेचना है भाई उसको, बहुत स्मार्ट कंट्री है ये, छोटा सा है तो इसने बड़ी बड़ी डील कर रखी है फ्रांस के, इसमें हथियारों के मामले में काफ़ी एडवांस है ये पूरी यूरोप में. जैसे रशिया है नंबर वन तो हथियारों के मामले में पूरे यूरोप में, बाकी फ्रांस भी, राफेल वाला जो सौदा हुआ और ऐसे बहुत सारी तकनीकी दृष्टि से. जर्मनी भी काफ़ी एडवांस है, बट जर्मनी वालों क्या है कि उन पे वो वर्ल्ड वार के वो धब्बे अभी धुले नहीं है उनके, इसलिए उन पे पाबंदियाँ भी हैं उस तरीके से कि आप उस क्षेत्र में ज़्यादा ना करें, है ना. तो इसलिए अदरवाइज जर्मनी बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में बोलते हैं पूरे यूरोप में जर्मनी नंबर वन है. सर एक्चुअली लाइक टू वीक्स अगो इन वन ऑफ दिस ट्रेन स्टेशन बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द इन म्यूनिख, सो इट वाज सेड टू बी फ्रॉम सेकंड वर्ल्ड वॉर.
वो कह रहे हैं अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अभी निकल रहे हैं वो हम, सो इट्स म्यूनिक में निकला है ये, पहले भी बहुत बार निकल गए उनके यहाँ पे। ये तो जब है जब वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी बहुत खतरनाक कंट्री बन गया था ये एक्चुअली, तो आपको पता ही है खैर कि जर्मनी जापान और इटली इन तीनों ने मिलके, बाकी अमेरिका फ्रांस रशिया ये सब तो एक साथ ही थे, ब्रिटेन और ये सब इनके खिलाफ लड़ा था जर्मनी में, जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा, फिर जर्मनी को हरा दिया बाकी सब ने मिलके, बम्बारिंग करी जर्मनी के सारे स्टेट्स को ऐसे लिटा दिया नंबर से ही, इतनी ज़्यादा बम्बारिंग करी थी उस टाइम पे। लेकिन जर्मनी में भी हिटलर जो था उसने टेक्नोलॉजी में उस टाइम पे भी जर्मनी काफ़ी एडवांस था, उस टाइम पे इनकी पनडुब्बियाँ और खौफ खाते थे अमेरिकन वगैरह सब इनसे। तो जब इसको जीत लिया जर्मनी को, उसके बाद में भी अब उसमें डर लगता था इनको, जीत तो लिया बट जीतना तो एक अलग बात है, और वहाँ पे इनको लगता था क्योंकि इनके कहीं से भी निकल सकती है सुरंग, ये खौफ बैठा रखा था, क्योंकि हिटलर ने जब साफ संदेश था हिटलर का कि चम्मच बनाने का भी लोहा नहीं छोड़ा था, उसने बोला चम्मच तो बाद में देखेंगे, गोलियां बनाओ अभी, तो उसने इतने हथियारों में इतना फुल्ली, क्योंकि युद्ध जीतना है भाई, तो जीतने के बाद में उन्होंने जर्मनी को चार पार्ट में डिवाइड किया, बाद में तो दो ही पार्ट रह गए थे बट बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया था जर्मनी को। क्यों? बोला कि इसके पता नहीं कहाँ कहाँ युद्ध इन्होंने बम्बारिंग कहाँ कहाँ छुपा रखे होंगे, तो जर्मनी को चार पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, चार पार्ट में, ये एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर साउथ का, एक पार्ट इधर, है ना, ऐसे नहीं करके ऐसे ही करते हैं अपन चार पार्ट इसके, तो चार पार्ट में डिवाइड इसलिए किया था जर्मनी को कि निशस्त्रीकरण किया जा सके। जर्मन में बोलते हैं इसको एंटवाफून, एंटवाफून, वाफे का मतलब होता है हथियार, और एंटवाफून का मतलब है कि ढूंढ ढूंढ के इनके हथियार खत्म करो, क्योंकि एक भी गोला मार तो कईयों को लेट डलेगा ना वो तो एकदम ही। तो इन्होंने बोला इसके कैसे करें हथियार, तो इधर रशिया पड़ता है, रशिया ने बोला कि ये वाला पार्ट तो मुझे दे दो, मैं ये मेरी ड्यूटी है, इधर वाले मेरे इजी भी रहेगा क्योंकि इधर ही है। फ्रांस बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, ये वाला मैं कर देता हूँ, तो ये फ्रांस ने ले लिया, रोक लिया कि भाई प्रॉपर सर्च अभियान चला चलू के ख़त्म करेंगे ढूंढ ढूंढ के। ब्रिटेन इधर पड़ता है तो इधर वाला ब्रिटेन ने लिया, अमेरिका बोला मुझे तो बहुत दूर से आना है, मेरे को कोई सा ही दे दो, तो ये अमेरिका ने लिया था। ऐसे चार बिजात जोन बनाए थे उन्होंने, और फिर कई सालों तक अभियान चलाया वो कि पता नहीं कहाँ से निकल आए, तो उस टाइम पे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने ख़त्म करे थे, तो भी बहुत टाइम लगा था इनको। और फिर तो खैर इस पर इस तरह की पाबंदियाँ भी लगाई कि हथियार नहीं बनाने देंगे अब इसको, कंट्री को, खतरनाक कंट्री है ये। सो बाकी आफ्टर सम टाइम ये तीनों, रशिया भी जो अमेरिका और उनके साथ मिलके ही तो लड़ा था, ये फ्रांस रशिया अमेरिका ब्रिटेन सारे मित्र देश थे, मिलके लड़ा था, लेकिन ये बदमाशी कर गया इन्होंने, तो बाकी ने तो खाली कर दिया अपना अपना, जैसे जैसे काम पूरा हुआ इन्होंने खाली कर दिया, ये बोले नहीं मज़ा आ रहा है तो इसने इसको खाली नहीं किया, और यहाँ के लोगों को ही भड़का भड़को के बोला नहीं अलग ही रहो, और फिर ये कितने सालों तक 89 में जाके फ्री हुआ है ना। सो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो ये तब से फिर ये अमेरिका और रशिया भी आपस में है ना दुश्मनी है एक तरीके से। सो ईस्ट जर्मनी और ये वेस्ट जर्मनी, पूरा ये पूरा एरिया तो धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्ट कर करा के इसको वापस डेवलप करवाया इस एरिया को, और ये अपने जैसा ही बना लिया रशिया ने उसको कम्युनिज्म के कारण। अभी भी अभी तो खैर काफ़ी कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका, बट फिर भी आप इसको देखो तो एरिया ये अलग लगता है, मतलब कम डेवलप लगता है अभी भी इतना सारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी। सो ये गुड। सो वाफे क्या वर्ड बताया मैंने आपको, वाफे मतलब हथियार, और एंटवाफून
निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों को नष्ट करना जो अभियान चलाया था उन्होंने एंड खैर वी कम टू द पॉइंट दन स्लोवेनिश वेस्टलिश फोन स्वाइट हियर फ्रांसियोजिस स्प्रिस्ट मान इन फ्रांक्राइश फ्रेंच बोली जाती है किसमें फ्रांस में दास लिट ज्यूड वेस्टलिश फोन डॉयचलैंड इट इज इन साउथ वेस्ट यस ये वाली बात आई थी अपनी कि ये साउथ वेस्ट में पड़ता है फ्रांस जर्मनी के तो साउथ वेस्ट में हो गया क्योंकि ये तो वेस्ट है ये साउथ है तो ये बीच में साउथ वेस्ट ज्यूड वेस्टन बोला हमने इसको उसमें पड़ता है ये इम वेस्टन मतलब इन वेस्ट इम वेस्टन ओंट नॉर्थ वेस्टन लुक्सेमबर्ग बेल्जियन उंट नीदरलैंड है ये कह रहे हैं कि इधर वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में इधर कौन कौन से हैं लुक्सेमबर्ग बेल्जियन और नीदरलैंड है यहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते इन लुक्सेमबर्ग स्प्रिस्ट मान ड्राई स्प्राखन लुक्सेमबर्ग में तीन बोलते हैं भाई डॉयच फ्रांसियोजिश उंट लुक्सेमबर्गिश यही लिखी थी अपन ने डॉयच फ्रांसियोजिश उंट लुक्सेमबर्गिश एक इनकी खुद की एक जर्मन और एक फ्रेंच इन बेल्जियन स्प्रिस्ट मान औख ड्राई स्प्राखन कह रहे हैं कि बेल्जियम में भी तीन है भाई नीदरलैंडिश डॉयच उंट फ्रांसियोजिश इसके भी चारों तरफ तीन कंट्री हो गए ना तो ये कह रहे हैं नीदरलैंडिश यहाँ की भी बोलते हैं इधर फ्रेंच वाली फ्रांसियोजिश और डॉयच तीन लैंग्वेज है यहाँ भी नीदरलैंडिश डॉयच उंट फ्रांसियोजिश इन डेन नीदरलैंडन स्प्रिस्ट मान नीदरलैंडिश उंट फ्रीशिश नीदरलैंड में नीदरलैंडिश इसको हॉलैंडिश भी बोलते हैं और फ्रीशिश लैंग्वेज बोली जाती है नॉर्डलिश फॉन डॉयचलैंड लिक्ट डेनमार्क इन द नॉर्थ ऑफ जर्मनी डेनमार्क इज देयर इन डेनमार्क स्प्रिस्ट मान डेनिश उंट डॉयच यहां पे डेनिश उनकी खुद की और जर्मनी जर्मनी की लैंग्वेज डॉयच ये लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं अच्छे से लिख लेना इन सारी लैंग्वेजेस को दिमाग में मोमेंट हियर जर्मनी के मैप को अच्छे से पढ़ के आना है आपको एक तो कि कौन सा किस दिशा में पड़ता है जैसे इसमें इन्होंने सिटीज दिखाए हैं ऑग्सबुर्ग और म्यूनशन आपको उस मैप में ढूंढना है कहाँ पे तो ऑग्सबुर्ग है और कहाँ पे म्यूनशन है ऐसे ये दोनों दोनों सिटी है ना इसको नोट कर लो होमवर्क एट्थ ओरिएंटियरुंग ऑफ देयर लैंड कार्ट है आपको मैप देख के पता चलना चाहिए कौन सा कहाँ पे है ओरिएंटियरुंग कल आपको हो सकता है मैं एक ब्लैंक मैप दूँ उसमें मेन मेन स्टेट्स के नाम या फिर बड़े बड़े सिटीज के नाम ठीक है कंट्री का नाम तो हो 58 पेज पे सिटीज के नाम यस एट्थ एक्सरसाइज ऑग्सबुर्ग म्यूनशन ये ढूंढ लेते हैं अपन साथ में मिलके ऑग्सबुर्ग म्यूनशन उसी मैप में ऑग्सबुर्ग और म्यूनशन ठीक है साफ नहीं दिख रहा ऑग्सबुर्ग म्यूनशन साफ नहीं दिख रहा तो नया मैप निकालते हैं अपन नेट पे निकाल के देखना ओके ऑग्सबुर्ग म्यूनशन यहां पे तो है ऑग्सबुर्ग
और इधर है म्यूनशन। तो ये पूछ रहे हैं कि आउसबुर्ग म्यूनशन के किधर पड़ता है, तो किधर पड़ता है ये तो अपन तब बता सकते हैं जब हमको ये आइडिया हो एक तो कि डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, तो हमको पता ही है डायरेक्शन तो इसके किधर पड़ता है ये राइट। सो इसको हम बोलते हैं ओस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न ज्यूडन, ये कौन सा हुआ नॉर्द ओस्टर्न, दिस वन नॉर्द वेस्टर्न। ऊपर वाले तीनों नॉर्द से स्टार्ट होंगे, नीचे वाले तीनों जूड से, ये है जूड वेस्टर्न और ये जूड ओस्टर्न, ऐसे आपको ध्यान रखनी है सारी डायरेक्शंस। सो अपन अगर म्यूनिक को केंद्र बनाएं, सेंटर बनाएं, तो ऑक्सबुर्ग म्यूनिक से किधर पड़ा, नॉर्द वेस्टर्न, नॉर्द वेस्टर्न। तो आप बोलोगे ऑक्सबुर्ग, ऑक्सबुर्ग ईस्ट, इम डायरेक्शन से पहले इम लगाएंगे, इम कौन सी डायरेक्शन, नॉर्द वेस्टर्न फोन म्यूनशन। तो उसको म्यूनिक नहीं बोल के म्यूनशन बोला करेंगे हम, क्लार। तो कौन सा किस दिशा में है, पहले जिस सिटी का नाम दे रखा है वो है और दूसरे सिटी के किधर। सो इससे जो पहले नाम दे रखा है उससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कि ये है जैसे ऑक्सबुर्ग ईस्ट, फिर डायरेक्शन का नाम और फिर किधर दूसरे के फोन। कोई बोले कि डुसेलडॉर्फ जर्मनी के किधर पड़ता है, तो डुसेलडॉर्फ जर्मनी के किधर पड़ा, वेस्टर्न में पड़ा ना, तो हम बोलेंगे डुसेलडॉर्फ ईस्ट इन वेस्टर्न फोन डॉयचलैंड। यस, जिसका भी नाम लेना हो वो किधर पड़ा। तो आपको ये मैप आपका होमवर्क है आज मेनली, वो तो सेंटेंस लिख के लाओगे आप, दो दो सिटी बता रहे हैं कौन सा किसके किधर पड़ा, प्लस आपको ये डायरेक्शन के साथ में मैप का आइडिया रहना चाहिए। कोई बोले बर्लिन, तो बर्लिन इधर मत बता देना, बर्लिन तो इधर है। अच्छे से आप इसके मेन मेन जो भी मोटे मोटे लिखे हुए हैं, नोर्डराइन वेस्टफालन ब्रेमन नीडर जैक्सन जैक्सन अनहाल्ट ब्रांडनबुर्ग, ये स्टेट्स के नाम, और जो रेड से आपको दिख रहा है, रेड से दिख रहा है, इसमें तो बहुत सारे हैं भाई, इसमें तो बहुत सारे हैं, बाकी जनरली आपको उसकी कैपिटल रेड से दिखेगी, बहुत सारे बड़े सिटी हैं इस स्टेट में, सिटी बहुत हैं बड़े बड़े। इतना बड़ा बर्लिन ही है, डेवलप ही कहाँ होने दिया उसने, समझ रहे हो आप, ये भी उसी बात का असर है, उन्हीं के पास रहा। सिटीज तो 50 सालों में डेवलप हुए हैं, पहले कहाँ सिटी थे कुछ, मतलब समुद्र के किनारे व्यापार के उस तरह से केंद्र थे, लेकिन आज की तरह तो सिटी नहीं थे। आज की तरह की जो सिटी है पिछले 70 सालों में 80 सालों में मेनली 50 सालों में और भी 25 सालों में ज़्यादा डेवलप हुए हैं ना, तो उस टाइम पर तो ये तो ऑलरेडी खैर कैपिटल था पूरे जर्मनी का, उसके अलावा डेवलप ही नहीं हो पाए, है ना। खैर ये आपका होमवर्क हो गया, आपको पता भी रहना चाहिए कंट्री, उसकी लैंग्वेज और मेन मेन सिटीज और स्टेट्स के नाम, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सो ये आपका होमवर्क हो गया आज के लिए। स्टेंका दासिस गेनुक आई थिंक
इससे ज़्यादा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो समझ लो अच्छे से।